और अगर आप बहुत ध्यान से देखें बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल हो रहे हैं जी वो भूख की वजह से हो रहे हैं जी 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 नंबर्स हैं तो उसके साथ उतनी शक्ति भी तो है exactly. ज्ञान अर्जन करो पढ़ो गूगल hmm. से हम थोड़ा आगे बढ़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एज वी आर टॉकिंग हम जब बात कर रहे हैं इस, इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बेहतर होती चली जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह की यूनिफिकेशन कर रही है कौन सी ऐसी जहाँ हम खुद को अप्लाई कर, अप्लाई कर सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से बोल पाता हूँ आई एम कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर मीटिंग इंटरेस्टिंग पीपल और कोई ना कोई सुनता है उधर ऊपर से और मैं इंटरेस्टिंग लोगों से मिलता हूँ और आज यहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट पर बैठा हूँ यहाँ पर साथ में बैठे हैं प्रसून जोशी स्वागत है आपका नमस्ते सो वेरी हैप्पी तो हम लोग यूं ही बैठे हैं और मेरे ख्याल से दो घंटे हमको इंतज़ार करना है करना रहा है ना? तो हमने कहा क्यों ना गपया और बस हम लोग गपिया रहे हैं सोचा कि आपके साथ बिछा फिर प्रसून तो हमारी बातचीत तो खैर कुछ देर से हो ही रही है इंडिया में नंबर्स बहुत हैं जैसे चीन में बहुत नंबर्स हैं और ये पहले हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम थी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन और अब हम लोग उसका फायदा उठा रहे उठाना भी चाहिए कि जो आपकी कमजोरी है वो कमजोरी इसलिए है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं समझते तो अगर नंबर्स हैं तो उसके साथ साथ उतनी प्रतिभाएं भी तो हैं करेक्ट नंबर्स हैं तो उसके साथ उतनी शक्ति भी तो है exactly. एक चीज़ और जो हम लोगों ने बात की कहीं ना कहीं हम लोगों के पास हम लोगों ने जो एजुकेशन को वैल्यू दिया है जी और जो समझा है कि एजुकेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और कहीं ना कहीं इंडिया का जो पावर भी रहा है इन दिस प्रेजेंट टाइम थैंक्स टेक्नोलॉजी बिल्कुल देखिए टेक्नोलॉजी एक तरह से ब्रेन सेट कहीं जो एक फोकस ब्रॉन पे था शारीरिक शक्ति जो है आपकी तो हम देखें तो हमारे जो पूर्वज थे पहले भी यहाँ पर शिक्षा पे बहुत जोर दिया बहुत जोर दिया जाता था कि ज्ञान अर्जन करो पढ़ो उसको समझो विद्या इस पर बहुत महत्व दिया जाता था सिविलाइजेशन की अपनी पूरी रही टुडे आई फील आज के युग में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग टेक्नोलॉजी uh, का युग है वर्चुअल युग है अभी आप मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, पहले थोड़ी करते थे लोग, मिलते, जी, तो मेरी और आपके बीच क्या चर्चा हुई तो आप लिखते उसकी। या फिर उसको याद करने के लिए कुछ हम लोग पहले फॉर्मुलर बनाते थे उसने कहा कुछ कुछ कहा तो वो सब आज नहीं चाहिए आज जो है यादाश्त यादाश्त की इतनी जरूरत नहीं है जितने एप्लीकेशन किया बहुत बढ़िया इनफैक्ट मैं ना सालों से मैं तस्वीरें खींचता रहा मैं जब जहाँ जहाँ घूमता था तो बहुत पहले से घूम रहा हूँ तो मैं तस्वीरें खींचता था लोग तो मुझे कहते थे यार तो मोमेंट में नहीं रहते और मुझे हमेशा लगता था कि मैं तो मोमेंट में रहूँगा लेकिन बाद में ये मोमेंट को रिकलेक्ट करने में दिमाग नहीं लगाना चाहता और थैंक्स टू तो गूगल हर चीज़ ऊपर चली जाती थी आज मैं वो जगह डालता हूँ तो मुझे उसकी तस्वीरें आ जाती एक और चीज़ जो हुई है गूगल से हम थोड़ा आगे बढ़े हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर गूगल ने क्या किया लोकतांत्रिकरण किया डेमोक्रेटाइजेशन किया किसका इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन अभी जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है आहे. वो हुआ इंटेलिजेंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हुँ. तो आपका जो कहा हुआ है एज वी आर टॉकिंग हम जब बात कर रहे हैं इस, इस, समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बेहतर होती चली जाती है exactly, क्योंकि तो सुन रहा है कुछ सब कर रहा है और लगातार बेहतर होती है और हर एक को उसका एक्सेस मिल रहा है कहीं से भी एक जापान में एक बच्ची बैठी है वहां से और एक हमारे काशीपुर में कहीं यूपी में कोई लड़की बैठी है उनको सेम एक्सेस मिल रहा है ऑफ इंटेलिजेंस नॉलेज का तो मिलना शुरू हो गया था इंफॉर्मेशन का तो मिलना शुरू हो गया था लेकिन अभी अगर आप उससे सवाल पूछते हैं वो सवाल को लगातार परिष्कृत करता चल रहा है चिजल करता चल रहा है बेहतर करता चल रहा है और वो जो इंटेलिजेंस की एक्सेस है वो आने वाले दिनों में विश्व को एक बहुत नया नया आयाम देने और कहीं ना कहीं ये जो बीच में एआई के जो मेन कंपनी चैट जी बी में मेरे ख्याल से जो एक एक बहुत बड़ा सा तूफान सा है कहीं ना कहीं इज दैट स्ट्रगल आल्सो ऑन कि कितना इसका एक्सेस सबको दिया जाए इस पर भी डिबेट चल रहा है देखिए वो एक लोग कहते हैं किलोज्ड सिस्टम और इस ओपन सिस्टम उस पर रहता है लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब तो क्लोज रह पाएगा क्योंकि हम ऐसे विश्व में आ गए जहाँ पर कौन क्लोज करेगा कितनी देर तो, तो सैम ऑल्टमैन थे आई हैड एन टू स्पेंड सम टाइम विद है तो हम लोग ने काफी इस विषय उसके बाद मैंने एक पीस भी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कुछ दिन पहले लिखा है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह की यूनिफिकेशन कर रही है mm -hmm. जो आपको पहले सिर्फ इससे पहले आपको अद्वैत वेदांत में मिलती थी mm, बिल्कुल Connect, ah, no क्या बात है that, and, you know, so exciting, me, मैं जो कॉन्वर्सेशन करता हूँ या मैं जिंदगी के बारे में जो भी समझ रखता हूँ हम लोग बात कर रहे थे घुस uh, है है। हम, हम, हम है। जाते हैं जिसकी शुरुआत होती है बड़ा क्रिएटिव काम है लेकिन एक्टर बनने के बाद कहीं ना कहीं अब मैं मुझे कहा जाता तुम तो एक्टर ही रहो भाई तुम तो एक्टर हो तो वो अपने को असीमता की तरफ बढ़ने की जो इच्छा है जी 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 ये आज अवेलेबल है इवन फॉर समबडी लाइक मी हूं जब मैं जब अपने आप को देखता हूँ आई नाउ रिलेट टू माय सेल्फ एज़ आल्सो एन एक्टर हूं आल्सो ट्रैवलर एंड यू हैव एपिटोमाइज दैट इन योर लाइफ कहीं ना कहीं आपने जब काम करना शुरू किया तब हिंदी का इतना महत्व नहीं था और आप थे एडवर्टाइजिंग uh, जी मैं तो थे एडवर्टाइजिंग से पहले मैं पोएट कवि था और मेरी मैं सत्रह साल का था मेरी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी लेकिन उस प्रकाशन के साथ साथ मुझे एक और बात का एहसास हो चुका था कि कविताएं कोई खरीदने वाला नहीं उससे मुझे ये पता लगा कि मुझे जीविकोपार्जन के लिए कुछ करना पड़ेगा और वेरिस कौन सी ऐसी जगह है जहां हम खुद को अप्लाई कर अप्लाई कर सकते हैं फिल्मों की बात हम बाद में करेंगे उनसे भी बाद में मेरा जुड़ा हुआ लेकिन उससे पूर्व मैं विज्ञापन और एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन से जुड़ा और वहाँ भी मुझे जाके ये दिखाई दिया कि प्रभुत्व तो अंग्रेजी का हाँ तो मैं, मैं इसीलिए मुझे वो बहुत ये जिज्ञासा रही है कि आपने आपकी शुरुआत थी हिंदी और वो एक समय था जहाँ पर सचमुच अंग्रेजी का प्रभुत्व था और उस समय जाकर एक एक पोएट एक कवि जिसका वो था उसने कैसे करके अपने को आ... मैं ये मानता हूँ कि आज जिस भारत में हमारे युवा पल रहे हैं बढ़ रहे उसमें उनके पास बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं था नहीं। बहुत सारे साल आशीष जी बर्बाद होते हैं हम लोगों के जो तो हम छोटे शहरों से आते हैं कि हम भाषा सीखें अंग्रेजी भाषा सीखें वही चीज़ दोबारा सीखें जो सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं क्या बात बस आप जो है बदलते जा रहे हैं अंदाज बया आपका बदलता जा रहा है लेकिन कई बार आप मीटिंग में तो बैठे आपको बात तो मैं इससे ज्यादा अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ लेकिन आपके पास व्यक्त करने के लिए वो तो मुझे कई बहुत समय लगा कि मैं अंग्रेजी भाषा मैंने एम भी किया उसके बाद और ये कोशिश की कि मैं भाषा की वजह से और, ये और कहीं ना कहीं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जब एक और अगर आप बहुत ध्यान से देखें बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं वो भूख की वजह से हुए हैं और वो भूख तब होती है जब सचमुच कुछ कमी की महसूस होती है और मेरा ऐसा मानना है कि हम सब मेरे ख्याल से हम लोग सब जब एक ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं यहाँ पर कोई हमको जानता नहीं था जिस प्रोफेशन में जी, जी, जी। शायद आपके लिए भी ऐसा ही बिल्कुल मैं तो उत्तराखंड के बिनो अल्मोड़ा में पैदा हुआ छोटी हाँ। जगहों में पर जब कहते हैं छोटे शहर आज तो छोटे शहरों का वो मतलब बिल्कुल ही अलग है बहुत ही छोटे शहर है। बहुत ही बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं आपको लेकिन कहीं आपके अंदर एक लॉ जल रही है उस लॉ के बढ़ा जरूर और कहीं कही ना कहीं मुझे इसलिए ना मैं मुझे मुझे जब कोई कहता है कि यार मैं इस बैक मैं कहता हूँ वो अच्छा है यू नो दैट्स अ टर्म दैट आई लव टू टू यूज़ व्हिच इज टर्निंग एवरीथिंग योर एडवांटेज अगर ही, वो नहीं है जैसे मैं ऐसा दिखता हूँ मतलब मैं ऐसा दिखता हूँ मुझे इस तरह का काम मिलता है फिल्मों में ठीक है और मुझे कुछ और चाहिए था मैं आपको मैं अपनी बात ही बताऊँ तो, मुझे कुछ और चाहिए था मैं बड़ी सारी फिल्में कर चुका तीन से फिल्में कर चुका हूँ लेकिन अब उसी तरीके का रोल मुझे दिए जा रहे हैं तो अब मैं क्या करूँ उस वक्त मैंने अपने को अपने दूसरे आयाम घूमने शुरू तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मुझे इस समय तक आसानी से वो सब काम मिलता रहता तो शायद मैं अपने आप को इस तरफ ना एक्सप्लोर करता गो मिसिंग इन आर लाइफ वी आर फोर्स डिवेलप अदर पार्क बिल्कुल और साथ ही आशीष जी लुढ़कना आना चाहिए मैं आप कभी नदी के किनारे जाए पहाड़ों के बाद नदियाँ होती हैं नदी किनारे आपको पत्थर मिले गोल गोल तराशे हुए से पत्थर जुते खुद सुंदर होते हैं चिकने होते हैं किसने तराशा होगा ठोकर होते लुढ़कते जा रहे सालों से ऊपर से लुढ़कते जा तो मुझे लगता है वो ठोकरें खाना और तराश तराशते जाना जरूरी है और कोशिश ये होनी चाहिए कि अपना आत्मविश्वास न तोड़ो न टूटने बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है क्योंकि क्योंकि जब तक हम अपने लिए वोट करते रहे हमें कोई नहीं बिल्कुल और सही काम करने ता, की कोशिश अपने देखिए अंततः आपको किसको आ, किसको उत्तर देना है अंततः आपको स्वयं को उत्तर देना है आप अपने से नजरें जब तक मिला पा रहे हैं तक आप सही कर रहे हैं और करते रहिए तो ये बातचीत काफी लंबी चल सकती है लेकिन अभी मैं इस पर विराम अभी दे रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत सुंदर लगा आपसे मिलकर ये एक सुखद संयोग ये सुखद संयोग ऐसा कहा जाता है कि माइकल एंजेलो को पूछा गया कि आपने डेविड कैसे तराशा कि माइकल एंजेलो ने कहा आई टुक अ ब्लॉक ऑफ मार्बल मैंने मार्बल का एक पत्थर लिया और उसमें से जो भी डेविड नहीं था वो हटा दिया और ये शायद कहानी है ये वो बात कहती है कि हम सबके अंदर जो गज, जो गजब है वो तराशने के बाद ही निकलता है बिल्कुल और वो देखिए चाहे वो स्परिचुअलिटी हो चाहे वो जीवन हो चाहे वो कला हो चाहे प्रोफेशन हो कोई, कोई भी प्रोफेशन हो आपको अपनी ऑथेंटिक आवाज तलाश करनी है क्या और उसमें पूरा समय निकल जाएगा तो इस नोट पर इस कॉन्वर्सेशन को हम एक हल्का सा पॉज देते हैं फिर कभी मिलेंगे तो दोबारा आई जस्ट लव दिस पॉइंट To discover your own voice and then sing it. Mahal bancha bhaiya, thank you, you so much. Pleasure. Al shukran badhu al shukran zindagi. Thank you so very much. Mah.